ज़ीरोधा के अंदर जैसे आप कोई ऑर्डर लगाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपका ऑर्डर नहीं लगता, एरर NFO इज़ ए डिसेबल फॉर योर अकाउंट, यू कैन एक्टिव द सेगमेंट ऑन कंसोल। तो ये वाली प्रॉब्लम अगर आपको भी आ रही है, अगर आपको भी इस तरीके से लिखाता है NFO डिसेबल है, तो कैसे आपको इसे ठीक करना है, इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जा सके। NFO अगर आपका डिसेबल है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको NFO जो है अपने अकाउंट का चालू करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको कंसोल का भी ऑप्शन होता है या डायरेक्टली आप सेटिंग में भी जा सकते हैं। कंसोल के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको वेब वर्जन के अंदर रिडायरेक्ट करेगा, वेब वर्जन के अंदर आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपका लॉगिन ऑलरेडी होना चाहिए या फिर नहीं है तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी, जैसे आपका सेगमेंट कौन कौन सा एक्टिव है और आपने सेगमेंट कौन कौन से जो है इनएक्टिव कर रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो भी यहाँ पे डिसेबल है, करंट एक्सचेंज का भी है और बहुत सारे। तो आपको क्या करना है, इन सभी को आपको एक एक करके चालू करना है। चालू करने के लिए कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपका सेगमेंट जो है अगर आपने किया था तो वो कोई रिक्वेस्ट होगी तो वो शो होगी, कंफर्म पर क्लिक करके आप यहाँ से जो है कंफर्म करेंगे, ठीक है। अगर आपका ये नहीं हो रहा है तो आप डेस्कटॉप मोड पर खोल कर भी इसको यहाँ से ऑन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर ये फिर भी काम ना करे तो उसके बाद आपको PC में ही काम करना है, क्योंकि PC में ही हो जाएगा। इसके लिए आपको एक्टिव बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर कंटिन्यू विद ज़ीरोधा गाइड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड करने होंगे, जो भी चीज़ें आपकी है वो डॉक्यूमेंट वगैरह भेजने हैं, उसके बाद आपका हो जाएगा। बाकी यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।